हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्यूएट साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। सब तो पहला तुसी की देखना है इन दोनों एंगल का सम 90 बन रहा है या नहीं। देखो 72 ते 18 कितना हो गया 90। तो आप एक मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले लिख रखे तो तुसी इन्हां नूं अप्लाई करके आप इत्थे की है वैल्यू फाइंड करनी। तो सिंपल जी गल है, सब तो पहला साइन 18 नूं की लिखांगे 90 माइनस 72 डिवाइडेड बाय सेम कॉस 72। आपां किसे एक एंगल नूं चेंज करांगे, आपां की करना हरेक क्वेश्चन च 90 विचों थल्ले वाला एंगल माइनस कर देना, क्योंकि 90 चों जे आपां 72 माइनस करांगे तो कितना बन जाएगा वापस 18। सिंपल जी गल है, साइन नूं सेम रखना, थल्ले वाला एंगल 90 विचों की कर देना माइनस कर देना। हुण देखो साइन 90 माइनस थीटा का दे इक्वल है कॉस थीटा, तो साइन 90 की बन गया अपने कोल पहला कॉस बन गया, एंगल कितना आ गया अपने कोल 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72। हम देखो दोवें इक्वल है तो अपने कोल आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तुसी उपर वाले नूं भी चेंज कर सकते हो, थले वाले नूं भी चेंज कर सकते हो। तुसी इस तरह भी लिख सकते सी साइन 18 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 18, तो यह की बन जाना सी साइन 18 साइन 90 माइनस थीटा की होंगे, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा की होगा साइन थीटा साइन ऑफ 18 कट के भी कितना आ गया अपने को 1। तो इधर भी चेंज कर सकते हो, इन भी चेंज कर सकते हो, मीनस उपर वाले चेंज कर सकते हो या थले वाले चेंज कर सकते हो, आंसर क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन अपने को नैक्सट क्वेश्चन है कॉस 18 माइनस साइन 42 कॉस 48 माइनस साइन 42। तो सिंपल जहा क्वेश्चन है, देखो 42 ते 48 कितना होंगे अपने को 90, तो आप किसी एक चेंज करांगे कॉस 48 इनू की लिखे आप साइन 90 माइनस 48, क्योंकि 42 किमें बनता 90 जो 48 माइनस करके, तो पहला सेम रह गया कॉस 48 साइन का की बन गया कॉस, एंगल कितना आ गया 48। हमने दोवें आपस कैंसल होकर आंसर कितना आ गया 0। जे डिवाइड चाहे तो आंसर 1 आएगा, जे माइनस चाहे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट टेन 48 इंटू टेन 23 इंटू टेन 42 इंटू टेन 67 इज इक्वल टू 1। आप चार एंगल की मल्टीप्लाई 1 के इक्वल प्रूव करनी है। तो देखो 48 का कंप्लीमेंट्री कौन है 42, तो 23 का कंप्लीमेंट कौन है 67। तो आप किसी दो एंगल नूं चेंज करांगे, आप पहले दो सेम रखांगे, लास्ट दो नूं की करांगे चेंज करांगे। तो देखो टेन 48 टेन 23 इनू मैं की लिख सकता टेन 90 माइनस 48 इनू टेन 90 माइनस 23। देखो 90 जो 48 गए 42, 90 जो 23 गए 67, तो लास्ट दो अपने को चेंज होंगे टेन 48 टेन 23 टेन 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सो दैट इज कॉट ऑफ 48 दैट इज कॉट ऑफ 23। आप पहला फॉर्मूले पढ़िया टेन ते कॉट आपस की है इनवर्स भी है, तो आप लिख सकते हैं टेन 48 टेन 23 नूं आप की लिख सकते हैं 1 बाय टेन 48 इनू 1 बाय टेन 23 टेन 23 नाल टेन 23 कैंसल 48 नाल 48 कैंसल, सो दैट इज इक्वल टू 1। तुसी पहले दोनों भी चेंज कर सकते हो या लास्ट दोनों चेंज कर सकते हो, सिर्फ कंप्लीमेंट नूं चेंज करना। 48 का कंप्लीमेंट 42 है तो 23 का कंप्लीमेंट 67 है। मैं 42 नूं की लिखा 90 माइनस 48, 67 नूं 90 माइनस 23, तो टेन का की बनया कॉट 48 टेन का की बनया कॉट 23। हुण आपां एक पहला फॉर्मूला पढ़िया सी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, तो कॉट ना आप 1 बाय टेन चेंज किया टेन 48 कैंसल टेन 23 कैंसल। नैक्सट इज क्वेश्चन नंबर 3, नैक्सट अपने को क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ टेन 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 फाइंड एंगल ए।
आपां की फाइंड करना एंगल ए दी वैल्यू फाइंड करनी। आपां नूं की गिवन है टैन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। तैनू बिल्कुल ईजी तरीके नाल आपां फाइंड कर सकते हैं। आपां दो मैथड नाल सॉल्व करांगे। पहला मैथड फस्ट, मैथड फस्ट आपां की लिखांगे टैन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। तो देखो टैन अपने कोल की हुंदा कॉट 90 माइनस थीटा, तो आप टैन नू की लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। मैं दोवें साइड कॉट में चेंज कर लिया, इनू की बन गया कॉट 90 माइनस 2a, इनू की लिख सकते हैं कॉट ए माइनस 18। कॉट नाल कॉट आपा की है कैंसल। वैसे आप इनवर्स फंक्शन यूज़ करना होंगे पर इनवर्स अपने को प्लस वन चाहता है तो आप डायरैक्ट इनू की है कैंसल करता। तो इतने की बने अपने को 90 माइनस 2a इज इक्वल टू ए माइनस 18। हम देखो ए वाले एक साइड करा कॉन्सटेंट एक साइड 90 प्लस 18, 18 राइट च माइनस है लैफ्ट आगे की हो गया प्लस, तो इधर की बन गया ए प्लस 2a दैट इज 108 इज इक्वल टू 3a। तो ए की वैल्यू कितनी आई 108 डिवाइडेड बाय 3, तो ए की वैल्यू कितनी आई अपने को 36 डिग्री। सब तो पहले टैन 2a नू की लिखांगे कॉट 90 माइनस 2a, इतने इनवर्स फंक्शन अप्लाई करके आप कैंसल करते तो उस तो बाद ए की वैल्यू कितनी आई 36 डिग्री। मैथड सैकेंड, सैकेंड मैथड की है आप हमने पढ़िया टैन तो कॉट आपस की है कंप्लीमेंटरी है, मैं पढ़िया टैन तो कॉट आपस की है कंप्लीमेंटरी। तो दोवों के जोड़े एंगल है मीनिंग टैन 2a इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 है, तो मैं की करूँगा दोवों के जोड़े एंगल है कंप्लीमेंटरी का मीनिंग की होंगे दोवों के एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होंगे। कंप्लीमेंटरी एंगल की होंगे दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो आप लिखांगे टैन थीटा कॉट थीटा आर कंप्लीमेंटरी। ओके हम देखो 2a ते a कितना हो गया 3a इज इक्वल टू 19 प्लस 18, सो 3a इज इक्वल टू 108। तो a की वैल्यू कितनी है 108 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। तुसी जो मर्जी मैथड अप्लाई कर सकते हो, ये मैथड ज़्यादा ईजी है, बस दोवां दी आपां की है एंगल्स नू ऐड करके इक्वल टू की रखना है 90 रखना है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को की कह रहा है इफ टैन ए इज इक्वल टू कॉट बी प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 4 है टैन ए कॉट बी दे इक्वल देता है, आप ये चीज़ की करनी है प्रूफ। तो देखो टैन ए इज इक्वल टू की है कॉट बी है, तो टैन ए नू की लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला है टैन थीटा का इक्वल है कॉट 90 माइनस थीटा। तो इतने क्या है कॉट 90 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू कॉट बी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके कॉट नाल कॉट कैंसल, सो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी क्योंकि ए राइट साइड से जायका हो गया पॉजिटिव, हैंस प्रूव्ड प्रूव हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप ये प्रूव करना सी ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। बिल्कुल ईजी है अपने को 8.3 एक्सरसाइज इस तरीके आप सॉल्व कर सकते हैं।